तो स्वागत है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरी वेबसाइट है जो स्टार MP3। ये वेबकिस की वेबसाइट है जो मैंने बनाई है दोस्तों। और आज की वीडियो में पहला पार्ट में लेके आया हूँ जो वेबकिस की वेबसाइट किस प्रकार बनाएं जो MP3 सॉन्ग अपलोड करने के लिए, और आपको भी इसी प्रकार की वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा दोस्तों। पार्ट बाई पार्ट वीडियो आते रहेंगे चैनल पर दोस्तों, तो वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं और अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और आज आपको इसी प्रकार की वेबसाइट बनाना सीख जाओगे दोस्तों। पहला पार्ट लेके आया हूँ आज, क्या करना है वीडियो में आपको मिल जाएगा सब कुछ दोस्तों। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना। साइट पर दोस्तों आप MP3 सॉन्ग अपलोड भी कर सकते हैं और जो अपना जो रिमिक्स सॉन्ग करते हैं उसको डाल सकते हैं इस वेबसाइट पर दोस्तों आसानी से दोस्तों। डाउनलोड भी फास्ट होता है इसमें, तो बना सकते हैं आप इसी वेबसाइट। और आज का वीडियो लास्ट तक देख लेना दोस्तों, वेबसाइट किस प्रकार क्रिएट होती है पहला पार्ट है दोस्तों। पार्ट बाई पार्ट आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अपने इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लो सभी भाई, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं दोस्तों। क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहाँ पर आपको सर्च करना है webkis.com। यहाँ पर ये सर्च करने के बाद सिंपल से आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं ये वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना। सिंपल से क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। ये मैंने पहले लगा रखी है, इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, जो ईमेल आईडी वगैरह मैंने लगाई है। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल से अपना जो भी यूज़र नेम है, अपना नाम है वो डाल देना है। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड, यहाँ पर उसका दोबारा पासवर्ड, और यहाँ पर डालना आपको ये वाला कोड, और यहाँ पर टिक लगा देनी है, और यहाँ पर क्रिएट नाउ पर क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर जो मेरी डिटेल वगैरह वो यहाँ पर भर लेता हूँ दोस्तों, तो वीडियो को स्किप कर देता हूँ अभी मैं दोस्तों। मैंने मेरी ईमेल आईडी लगा ली। ईमेल आईडी लगाने के बाद अब क्या करना है आपको, इस वाले खाने में आपको ये वाला कोड यहाँ पर लगा देना है। तो मैं लगा देता हूँ 38, जो भी है 38A5, ये लगा दिया। अब क्या करना है, इस पर आपको टिक लगा देनी है, इस वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर टिक लगाने के बाद इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है क्रिएट नाउ पर। क्लिक करने के बाद सिंपल से ये वाली प्रोफाइल आपके सामने खुल के आएगी दोस्तों। इस पेज पे खुलने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सी अपना जो भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर लिख देना है इस खाने में। तो अपने जो भी वेबसाइट बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लव रिमिक्स। ये लिखने के बाद यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है, इसको इस पर क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पर सर्च यहाँ पर webkis.com सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना, डाउनलोड पहले सेलेक्ट है। अब यहाँ पर क्लिक कर देना है सिंपल सी क्रिएट नाउ पर। यहाँ पर सर्च करेंगे दोस्तों, तो देखो ये एरर दिखा रहा है, क्योंकि ये वाला जो नाम मैंने लव मिक्स यहाँ पर लगाया है, ये पहले किसी ने यूज़ कर रखा है। तो यहाँ पर लव ऑडियो नाम से वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो क्रिएट नाउ पर क्लिक कर देना है। अभी ये पेज खुल के आएगा आपके सामने। अब दोस्तों ये पेज आपके सामने खुल के आएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल से नीचे स्क्रॉल करना, नीचे करोगे दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा वाला ऑप्शन मिलेगा। ये यहाँ पर नीचे एक मिलेगा प्रेजेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपल से दोस्तों ऐसा ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड, फिर आपको दोस्तों अप्लाई यहाँ पर करना है। डाउनलोडिंग साइट के नीचे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद सिंपल सी आपके सामने अपनी वेबसाइट बनके रेडी होगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर फोल्डर बनाना और वेबसाइट का जो भी इसका मतलब डिज़ाइन करना, सब कुछ एडर जो भी होता है फोल्डर, सब कुछ आपको बनाना सिखाऊंगा इस अगले पार्ट में दोस्तों। ये पहला पार्ट है, पहले पार्ट में सिर्फ आपको वेबसाइट बनाना चाहूँगा, आप इस प्रकार बना लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप फोल्डर किस प्रकार बनाएँ, और जो भी इसमें वेबसाइट में जो कमी है वो सारी पूरी कर दूंगा अगले वीडियो में। पार्ट बाई पार्ट स्टेप बाई स्टेप पार्ट लेके आऊँगा दोस्तों आपके सामने, और आपको बनाना सिखा दूंगा कि आप किस प्रकार अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये वेबसाइट बनके तैयार होगी और सॉन्ग कैसे अपलोड किए जाते हैं, तो अगले पार्ट में सारी जानकारी आपको पार्ट बाई पार्ट मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। आपको इसी प्रकार की नॉलेज वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। आपको पूरी वेबसाइट किस पर बनती है कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और आपको वेबसाइट बनानी सिखा दूँगा। अपने MP3 सॉन्ग आप अपलोड करना चाहो तो कर सकते हैं, सब कुछ आप इस वेबसाइट पर कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। सब कुछ अगले वीडियो में बता दूंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, उसमें मतलब उसमें पता नहीं चलेगा आपको कि किस क्या क्या मैंने किया। तो जो मतलब चार पाँच मिनट के वीडियो लेके आऊँगा, जिससे आपको आसानी हो साइट बनाने में। तो आप इस प्रकार कर लेना और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर लेना दोस्तों। जल्दी ले आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, एक दो दिन में, और आपको अगले वीडियो में आपको और जानकारी दूंगा वेबसाइट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में दोस्तों।